तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना डे टू खेलना जर्नी का अभी हो रहे हैं दोपहर के, सुबह के एक्चुअली 10:30 सो रहा है। जाग जा, डोंट स्लीप। तो अभी 10:30 नहीं, एक्चुअली 11 बनने वाले हैं। तो अभी मान नीचे भैया हैं, हम जरा उतरे हैं और फिर कुछ खाने पीने का करेंगे। क्या कह रहा है भाई? पता नहीं यार, अभी देखूंगा, मैप ही नहीं देगा, मैं तो उठ के नीचे उतर रहा हूँ, अभी देखते हैं। बाकी सुबह सुबह सिर्फ पानी की बोतल ली है, बाकी इस स्पेस में अपन सोए थे, इसमें भी अच्छी नींद आई भाई, काफी खुल के दे भाई। तुम लगी जगह भरेंगे तो उतरेंगे। तो भाई तुम्हारा भाई उतर के सीधे आ गया है भोपाल स्टेशन पे, वेलकम टू भोपाल। तो भाई फोन में बैटरी भी नहीं है और अपन सो लिए, काफी 11 घंटे सो लिए भाई तगड़े तरीके से, अच्छी नींद आई साला। पहली बारी मेरे को ट्रेन में इतनी अच्छी नींद आई है। बाकी थोड़ा स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ है यहाँ पे तो कुछ खाने पीने को, वो लेते हैं फिर आगे चलते। तो भाई तुम्हारे भाई ने नहा के उठ के ब्रश व्रूश सब कर लिया था और एविन की फैमिली ने मेरे को ब्रेकफास्ट भी कराया था, तुम्हारे भाई ने समोसे भी खाए थे और अभी तुम्हारे भाई की एडिटिंग भी हो गई है डन। तो आई गॉट नथिंग एल्स टू डू फॉर द डे, तो ज़रा ऐसे रेंडर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ बनता है नहीं बनता, कुछ करेंगे भाई। यस, आई विल गिव यू माय क्लिप्स, एडिट करते हैं भाई। द हेल व्हेन द हेल, इट्स अबाउट द लैपटॉप भी है इसको इसको। तो भाई अभी अपन दोबारा सो गए थे ऊपर हैं और एविन के मम्मा मल्ले खाना पैक करके लाई। क्या खा रहा तू? लेमन राइस और ये फिश फ्राई। क्या है? फिश फ्राई। ओह माय गॉड। और ये आलू है, आलू फ्राई लेके आता बट ये तो खाता नहीं। तो भाई एविन के मम्मी बहुत सही चीज़ें बना के लाई हैं और ये देखो तू कैसा अनप्रिपेयर्ड आदमी है भाई। तो मेरे लिए लेमन राइस है, अभी लेमन राइस खा रहा तुम्हारा भाई। ओ भाई टेस्टी तो बहुत है, शट अप मैन। बट भाई ये ऑथेंटिक, इसके मतलब बिल्कुल पत्तल वाली फील आ रही है मेरे को यहाँ, मजा आ रहा है। खा लेना भाई, खा तो रहा हूँ भाई, वहाँ भी आएगा। बाकी अभी अपन पहुँचे हैं नागपुर, पहुँचने वाले अपन यार, रात तक देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। वो फुल ये ट्रेन कवर कर लेगी जितना टाइम डिले हुआ है। अब अगला कौन सा मेन स्टॉप क्या है? अगला मेन स्टॉप नागपुर ही है भाई, बड़ा स्टॉप। इन 20 मिनट्स अपना ट्रेन का सफ़र कंटिन्यूस चल रहा है, हमने खाना खा लिया है एंड यहाँ यार माहौल तो बढ़िया है, बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा है। सो इस व्यू के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एंड लेट्स सी आगे क्या स्टॉप होने वाला है। दिस इज दिस व्यू। ओके अक्षत, पढ़ ले एक बार यहाँ पे आके। ओके, ये सब हरकतें नहीं करनी है, ठीक है? जस्ट बी सेफ। एक कम से हमने तो 6-8 घंटे से तुम्हारा भाई ट्रेन से उतरा ही नहीं था, अब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है तो अपन उतरे हैं अभी। और मेरे को स्टेशन का नाम भी नहीं पता कौन से स्टेशन पे हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुकी है तो अपन मस्ती काट रहे हैं। और मेरे सामने कोयले की गाड़ी खड़ी हुई है और देखो अंदर कोयला है कोयला। तो वैसे भाई सरकारी चीज़ों को चुरा नहीं सकता, बट भाई मैं सोचता हूँ इसमें भी कितनी लूट होती होगी, कोई ऊपर से लेके भग जाए कुछ हो जाए। तो ये मालगाड़ी खड़ी है, बाकी यहाँ का मौसम देखो कैसा हो रहा है। ओ भाई गॉड भाई, द नेक्स्ट डे। तो भाई तुम्हारा भाई जाग गया और अभी आ गया तिरुपति स्टेशन, तो आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग तुम्हारा भाई फाइनली पहुँच चुका है, केरला नहीं तिरुपति पहुँच चुके हैं अपन। और भाई यहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, एग्जैक्टली यहाँ का टेम्परेचर 34 डिग्रीज है। और भाई यहाँ पे मेरे से कोई आंटी पूछ भी रही थी विजयवाड़ा करके कुछ, और मेरे को नहीं समझ आया, मैंने ठीक है हिंदी तो बस कुछ ऐसे हाल है। बाकी स्टेशन तो बढ़िया है भाई यहाँ का, बस एक चीज़ है यहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, गर्मी बहुत है भाई। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भले अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रूर है बट क्लीन कितना, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन में कूड़ा, बाकी जगह कूड़ा ही नहीं है। बाकी थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं ना तिरुपति बालाजी, तो यहाँ पे मान्यता के चक्कर में आते हैं और चक्कर में बहुत से लोगों ने यहाँ पे बरकटा भी करा रखा है। आपको देखो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे ही, मोस्टली ट्रेन भी खाली हो गए, मतलब जो लोग आए थे यहाँ केरला एक्सप्रेस में नॉर्थ इंडिया में वो सारे यहीं उतर गए,
अब अकेला मेरे ख्याल मैं ही हूँ जो बच्चा है इस ट्रेन में, जो पूरी साउथ इंडिया में ही जा रहा है। बाकी यहाँ के पोस्टर भी देखो भाई, यहाँ के पोस्टर भी तमिल में होते, तमिल या मलयालम शायद। तो भाई अभी एबन और मैं ऊपर बैठे हुए हैं और अभी हम सोच रहे हैं क्या ऑर्डर करा जाए, क्योंकि Zomato इज ऑर्डरिंग। Zomato में मील्स इन ट्रेन आ रहा है, तो हमारे सेम बोगी में सेम उसमें आके टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं बर्गर मिल रहा है बर्गर किंग से। तुम बर्गर देख रहे हैं, मैं वेज और ये चिकन। यस, सेलम जंक्शन पे मिलेगा, तो अभी ऑर्डर करेंगे तो लेट्स सी कि आता है कि नहीं। हमें आना तो नहीं, देखो अगर नहीं आएगा तो रिफंड है 100% ना। हाँ वो तो है, ऑथराइज है IRCTC। ओ माय गॉड IRCTC, ओ माय गॉड। इसने ये भी बता दिया कि आपकी ट्रेन लेट है, बट डोंट सॉरी आपका खाना टाइम पर है। शॉर्ट्स ले रहे हैं भाई, सटल शॉर्ट्स IRCTC में नहीं सकता। कृष्ण मुरारी की भाई, तो ट्रेन रुकी पड़ी है ना, तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, चलती ट्रेन में नेट भी चलता है। ये भी सही है भाई, इसका अलग ही जियो सिस्टम है। बाकी भाई अपना एस्टिमेटेड टाइम है टू रीच केरला इज इन अराउंड 4 hours और फिर तेरे पापा कहते थे कि हम केरला एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे ना, हमारा तो हम एंटर करने की कही है ना मैंने, डोंट करेक्ट मी इफ आई एम राइट। Shut up, man. तो 4 hours में केरला हम रीच कर जाएंगे, उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे हम रात तक पहुंच जाएंगे होपफुली। फिर वहां से एबिन को मैं करा दूंगा बिरयानी। भाई मैं थोड़ी हरा में बिरयानी खाता हूँ। कर दे यार ऑर्डर, कर दे यार बर्गर ऑर्डर करते जल्दी फटाफट। हमें ना चुप चुप के करना पड़ता है क्योंकि अभी मम्मी पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, घर का खाना खाने कहते हैं। घर का खाना खाता नहीं है ये, मेरे को बिगाड़ रहा है गाइस। आई डोंट कंडोन बाहर का खाना, बट अब खाना पड़ता है। तो भाई अपन ने खाना ऑर्डर कर दिया, दिखाइए जरा। तो भाई अपन ने ऑर्डर कर दिया, अब देखते हैं ट्रेन में आता है या नहीं आता। देखो तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी घंटे बाद, अराउंड 2.5 hours के बाद अपने स्टेशन में पहुँचेगी और वहाँ पे खाना मिल जाएगा। अभी थोड़ा चेंज ऑफ सीन। अरे कहना क्या चाहते हो भैया? पानी पानी बोतल ले पहले भाई सर, तब जाने दियो। तो भाई इस क्षेत्र में अपन चेंज देखने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा भाई केरला कैसे डिफरेंट है। अभी मतलब साउथ स्टार्ट हो गया ना, तो भाई आ गया पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। अभी अपन तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की आपको सीनरी दिखाऊं। तो भाई तमिलनाडु से साउथ का सारा स्टार्ट हुआ था, और भाई आते ही सबसे पहले मेरे को जो चेंज दिख रहा है ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे ना पाम ट्रीज बहुत ज्यादा है, पाम ट्रीज है और कोकोनट ट्रीज बहुत ज्यादा है। अभी आपको सीनरी दिखाऊंगा ना प्रॉपर, जैसे लोग मूवीज में देखते हैं ना भाई, चेन्नई एक्सप्रेस जैसे मूवी में देखा है, साउथ की मूवीज में देखा है, फुल सारी वैसी सीनरी है। और अभी तो तमिलनाडु में, बट अपन जब केरला पहुंचेंगे वहाँ की सीनरी तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो कोस्टल सिटी है, तो वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। और यहाँ देखो भाई, यहाँ की सीनरी बहुत सुंदर है, मतलब देखने में मजा आ रहा है। भाई हम काफी देर से बैठे थे, एविन को थोड़ा कुछ एडिटिंग का काम था तो अपन ने निपटा दिया था, फिर मैंने अपना व्लॉग भी निपटा दिया था। अभी खाने का ही वेट हो रहा है, खाना हमारा आन था भाई, हम पहुंचे ही नहीं भाई। हमें तो क्या कहते हैं 2 something के देखना, अभी ट्रेन स्टेशन में आ रखा है बट अभी तक पहुंचा नहीं है भाई। Zomato वाले को सल्यूट है भाई, 2:08 को मेरी ट्रेन पहुंचनी थी और हमारे 3 बज गए और 3 बजे तक भी हम पहुंचे नहीं है। बंदे का नाम है सेंथिल कुमार भाई, सेंथिल कुमार महाराज जी है वहाँ पे। सेंथिल कुमार महाराज है, सॉरी लोल सेंथिल कुमार महाराज, शाउट आउट भाई। Zomato के एम्प्लॉइज बड़े तगड़े, घंटे भर से बंदा खड़ा हुआ है, कॉल करी एक बार भाई को, पता चले वहाँ पहुंचे तो बोले कि भैया आप तो भूख लग रही थी, मैं बर्गर खा गया, एडजस्ट कर लो। तो व्लॉग डन है भाई, मैं सोचूं थोड़ा और लंबा खींच के ना रात को केरला पहुंचने से पहले ये डाल ही दूं, तो डल जाएगा डे 2 अपना केरला जर्नी का। और अगर अभी सीरीज देख रहे हो और पसंद आ रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बाकी अपन मजे कर ही रहे हैं। ये सेलम स्टेशन आ गया और अपना Zomato वाला भी आ गया होगा, उसको ढूंढने जा रहे हैं। चलो चलो चलो। ओ भाई Zomato वाले भाई आ गए, भाई ज्यादा देर तो नहीं खड़े रहे आप? कोई नहीं। तो भाई काफी देर से खड़े होंगे, पूछो कितनी देर से खड़े हुए थे?
3 minutes. एग्जैक्ट पी एन आर आता होगा ना, 30 minutes to 45 minutes. थैंक यू भाई, थैंक यू, ऑल लव ऑल लव भाई, लोग काफी बढ़िया है भाई. Yeah, no shit. Oh my God. तो भाई ये है सेलम, सालेम, सेलम, सेलम, सेलम स्टेशन है. It's in Tamil Nadu. It is in Tamil Nadu. Yes. And we will have fun and masala dosa. Masala dosa? No, no. I will have authentic masala dosa from Kerala. कह रहा है एक्सेंट ज्यादा पकड़ेगा साले, यहाँ तेरे को पकड़ लेंगे लोग. Exactly. तो यार ओ भाई 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 एक चीज है जो हम दिल्ली में नहीं कर सकते, वो है बकचोदी करते हैं, बट यहाँ पे भी करेंगे और बच के रहेंगे. ओ भाई, बिग मैन, एग्जैक्टली भाई, तुम देखे गुंडे, देखे रियल होते हैं, बहुत मारेंगे तेरे को. सही में होते हैं भाई, तुम देखे ऐसे ब्लॉन्ड होते हैं, वहाँ पे साउथ साइड में, क्या साउथ में ही है, वहाँ पे. AC and hot. भाई ऐसी लूंगी मेरे को पहने ही हो. कैसे? हाँ ऐसे पहनो. आज ही पहन लेते हैं. क्यों आज वो ना मेरा. हाँ हम इतना लेट हो गए यार, पता नहीं यार. आगे एक बोर्ड है, मेरा मन है वहाँ पे फोटो खिंचाने का, तो फोटो खिंचा. बहुत दूर नहीं है साली, अभी निकल जाएगी है, कार देर नहीं रुकी. कोई बात क्या बनी कि भाई हम ज़्यादा पीछे चले गए थे और फिर ट्रेन एकदम चल गई, तो हमें भाग के आना पड़ा. हमें एसी पैंट्री कार में चढ़ गए. पैंट्री कार से वक्के आए ना, एसी हॉट बुफे का. आई थिंक इट इज क्लोज नाउ. भाई अभी क्या सीन हुआ, हम ना उतरे थे एक्सप्लोर करने स्टेशन को, और हमने सोचा था मेरे को ना एक जो बोर्ड होता है ना तिरुवनंतपुरम या चेन्नई पूरा लिखाते हैं लोगों, उसके नीचे फोटो लेनी थी, तो मैंने इसे कन्विंस किया कि चलते हैं आगे तक. और भाई अपन जैसे ही पहुँचने वाले थे ना बोर्ड के, उतने में ट्रेन चल दी. फिर हम भागते भागते वापस आ रहे थे, तो पुलिस वाला हमें रोकने लगा, तो हमें अनफॉर्चुनेटली पैंट्री कार में चढ़ना पड़ा. और उसकी क्लिप है थोड़ी देर पर ना, थोड़ी सी है. तो पूरा 3 बोगी पार करके आए अब हम, पर अपना खाना आया तो खाना एंजॉय करेंगे अब. तो भाई यहाँ का डबल पैटी बर्गर कुछ ऐसा आया है, थोड़ा डिफरेंट है बट ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं. तो भाई अभी अपन आ गए हैं ओशन के ऊपर. ओशन नहीं है, सॉरी भाई, रिवर है वो भाई. मैं तो अभी तक यहाँ देख के खुश हो रहा हूँ, ये कह रहा है आगे और मजा आएगा, तो देखते हैं भाई अब तक नजारों को एंजॉय कर रहा हूँ. भाई ये किस चीज की खेती है? ये केला. केला? दिस इज ये केले के पेड़ है भाई. ओ भाई तो भाई अभी ट्रेन रुक गया एक और स्टेशन पे, और ये देखो ये जितना भी कंडेंसेशन का पानी है ना, ये सारा ड्रेन हो गया और ट्रेन चल रही है दोबारा. तो भाई अभी ये स्टेशन आया और ये बिन क्या लास्ट स्टेशन है, उसके बाद हम अगले को चलेंगे. स्टेशन ऑफ तमिलनाडु. हाँ मैंने तुझे बोला उसके अगले स्टेशन केरला में आएंगे, उतरेंगे वापस चलेंगे. सही में? या ताकि हमारा आखिरी आपकी बाकी स्टॉप भी है. कितने स्टेशन बाद उतरना हमने? गुड, हमारा तो रात के 8 बजे 10 बजे 1 बजे. 8 बजे 10 बजे 1 बजे, मतलब 3 बार उतर के चल जाए. 3 में से 1 बार में आ सकता है. 3 में से 1 बार उतर जाएंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे. चलो वो गलत उतर के दोबारा चढ़ते हैं. उतर के वापस चढ़ेंगे, मतलब ऐसे अभी जहाँ से उतरे ऐसे वापस. पुलिस वाला पीछे भाग रहा था, मां कसम ये तो फंसवा है. हम भी चढ़ना ही चाहते हैं अंकल, समझ क्या अंकल है. तो भाई ये व्लॉग तो डन है, अब इसका आउट्रो बना के भाई इस व्लॉग को मैं फिनिश कर रहा हूँ. जो आगे का व्लॉग होगा वो स्टार्टिंग ही केरला से होगा, क्योंकि मैं ट्रेन दिखा दिखा के पक गया हूँ. ट्रेन में टोटल हमको हो गए 42 आवर्स हो गए, 42 आवर्स तो नहीं, 40 आवर्स के आसपास हो गए. वो 2-4 घंटे में अपन उतर जाएंगे केरला. तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं. अगर होप आपको जर्नी पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो इस आलसी के ऊपर इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, फटाफट जाकर फॉलो कर लो मेरी लाइफ की अर्ली अपडेट्स पाने के लिए. अभी एड स्पेस भी इतना नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.